जी नमस्कार दोस्तों, BTCNM 10709 बहाली पर रोक लगने की सूचना मिल रही है और ये भी सूचना मिल रही है कि अंकों पे बहाली होने की भी सूचना मिल रही है। कोर्ट ने सरकार से क्या कहा है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब लाइक कॉमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें पूरे BTCNM अवर्थी के लिए। दोस्तों वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे जो आपको कहीं नहीं मिला होगा। सबसे पहले केस नंबर पर आ जाएंगे 238/2024 को और ये अभी भी पेंडिंग है और इसका 10 अप्रैल 2024 को जो सुनवाई हुआ था उसका नोटिस आ चुका है। सीधे नीचे हम लोग जाएंगे यहाँ पे नोटिस देखने के लिए, आपको यहाँ पे सभी तरीके के नोटिस दिया हुआ है। जैसे 15 मार्च 2024 का है, यहाँ व्यू करके भी आप देख सकते हैं, 2 अप्रैल 2024 का यहाँ भी व्यू करके आप देख सकते हैं और 10 अप्रैल 2024 का जो व्यू करके मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कम से कम 6 पन्ने का यहाँ PDF आपको खुल जाएगी जो पटना हाई कोर्ट का जस्टिस पटना का जो लेटर है यहाँ पर दिया हुआ, हर एक LPA पर एक दिया हुआ है, एक नोटिस आपको दिया हुआ है। यानी कि आपको यहाँ भी आप देख सकते हैं 269 है, उसके बाद 322 है, वो आपको LPA केस नंबर है। यहाँ भी बहुत सारा का है पेरियंस करके दिया हुआ है और यहाँ भी आपको देख सकते हैं रूबी कुमारी और अर्चना कुमारी का जो अभी तक केस चलिए रहा है। सीधे नीचे में आएंगे, बहुत सारा केस यहाँ LPA दिया हुआ है, वहाँ भी आप PDF के थ्रू यहाँ देख सकते हैं। उतना मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं इस वीडियो का सिर्फ लास्ट मोमेंट आपको बताता हूँ, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधे आपको दे दिया कि LPA 322/2024 का दिया हुआ है और LPA 238 का भी दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि एडवोकेट जनरल टेक नोटिस फॉर रिस्पोंडेंट नोज 5 एंड 6 पर, ठीक है, मिस्टर निकेश कुमार लर्न काउंसलर्स टेक नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नोज 7, 8 एंड 9। यानी कि आप 18 को प्रतीक्षा करें, इसमें आपको रिस्पॉन्स पूरी मैटर के साथ आपको दिया जाएगा। यानी कि उस घड़ी का इंतजार है जो लास्ट घड़िया का इंतजार रहेगी आपको BTCNM के लिए। हो सके तो आपको ये अंकों के बहाली का भी सूचना आपको मिल सकती है और सभी पर चर्चा अभी चल रही है, गुप्त रूपों से भी सूचना मिल रही है कि अंकों पे बहाली होने की सूचना है। अब देखते हैं क्या है दोस्तों, क्योंकि अभी तक ये तो 18/4/2024 को अभी रिस्पांस आएगा, उस रिस्पांस के आधार पर हम आगे की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।